इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या क्या देखेंगे उस चीज को देखो। यदि फंडा याद नहीं रखेंगे तो बाय प्रोसेस हम कैसे सीखेंगे उस चीज को देखो। पहला क्वेश्चन था, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा लेटर लेफ्ट इंड से 18वां, लेफ्ट इधर से कि इधर से, बोलो इधर से 18वां, इसका मतलब कहां आके स्टॉप किया, आर के पास, यहां तक कोई दिक्कत। अब बोला लेफ्ट इंड से 8वां लेटर, एक मिनट, 18वां लेटर लेफ्ट के छठा लेटर, यहां तक तो हम पहुंच गए थे, उसके बाद बोला लेफ्ट जाना है, इधर आगे बढ़ेंगे तो राइट होगा, इधर लौटेंगे तो लेफ्ट होगा, इसका बोला छठा लेटर लौटना है, पहला लेटर, दूसरा लेटर, तीसरा लेटर, चौथा लेटर, पांचवा लेटर, इसका मतलब इसका मेरा आंसर क्या आ गया। यहां तक किसी को तकलीफ नहीं ना। अब देखो क्या इसमें टेक्नोलॉजी है, मात्र दो चीज याद रखना है, ठीक है, एगो राम का नाम एगो श्याम का नाम, कैसे उस चीज को देखो। हम लोग जो आ रहे थे मात्र दो चीज आ रहा था, एगो लेफ्ट आ रहा था और एगो क्या आ रहा था, राइट आ रहा, यही ना चर्चा क्या था, इसके पीछे सवाल तो हम दिखाए थे, उसमें एगो मात्र चर्चा कर रहा था कि लेफ्ट से निकाल दीजिए नहीं तो राइट से निकाल दीजिए। इसमें बात क्या को बोल रहा है, दो को बात बोल रहा है नहीं, तो इसमें क्या क्या ख्याल रखेंगे उसको देखो। ध्यान इसमें याद रखना है दो चीज, एस डी, एस डी मतलब सेम डायरेक्शन, एस डी मतलब यदि सेम डायरेक्शन होगा तो हम घटाव ले लेंगे मतलब माइनस कर देंगे, ठीक है, और एगो बात आएगा ओ डी, ओ डी मतलब ओपोजिट डायरेक्शन, यदि ओपोजिट डायरेक्शन का बात आएगा तो हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना, सबसे मेन पॉइंट यही है, यदि ई पॉइंट पकड़ में आ गया सेम डायरेक्शन में क्या होगा, माइनस, और ऑपोजिट डायरेक्शन में, अब जिसको सस्पिशन होगा कि माइनस भी याद रखें कि प्लस भी याद रखें तो वो कहानी सुन लो। एसडी कार्ड का नाम सुना है, एसडी कार्ड किसको कहते हैं, चिप को, मेमोरी कार्ड को कहते हैं ना, यदि चिप का बात आएगा तो माइनस कर देंगे, ठीक है, मतलब क्रैश कर गया फेंक दो, क्या आ गया माइनस। एसडी कार्ड का बात आएगा, सेम डायरेक्शन का बात आएगा तो माइनस फेंक देना है, सिम खराब हो गया, चिप खराब हो गया, और अपोजिट डायरेक्शन का बात आएगा मतलब कि दोनों अलग अलग डायरेक्शन था वो अटैच हो गया, क्या हो गया, जुट गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, देखो हम कैसे शुरू करते हैं। क्वेश्चन था, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा लेटर लेफ्ट इंड से 18वां, इसका मतलब लेफ्ट इंड से कितना है, बोला लेफ्ट के छठा लेटर, फिर भी एल आया था क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत, जब यहां तक समझ में आ गया, अब देखो खेल क्या होता है। अब जो ऊपर वाला सबसे जो फर्स्ट पार्ट था उसी को पहले लिखेंगे, दो बात है कि कौन लेटर होगा, इसका मतलब लेफ्ट से चलना है, अब बताओ कि दोनों सेम डायरेक्शन था, सेम डायरेक्शन में जुटता है कि घटता है, क्या होता है, घटता है, जब 18 में 6 घटा दिए कितना, अब समझना ही बात है, अब बोला गया यही मेरा रिजल्ट हो गया, कैसे, इसका मतलब, इसका कहने का मतलब था इसका जो रिजल्ट होगा लेफ्ट इंड से जो भी 12वां लेटर रहेगा वही आपका आंसर होगा। लेफ्ट इंड मतलब एबीसीडी, इधर से लिखते यही लेफ्ट हुआ और उधर से उल्टा जेड से राइट, तो लेफ्ट से 12वां लेटर क्या हो गया, एल, क्या इसका आंसर एल नहीं आया था, भारी है। नेक्स्ट सवाल में चलते हैं, या इसको फिर से एक बार देख लो, क्वेश्चन था अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट से 18वां, लिख दिए एल का मान 18 लिख दिया, फिर बोला लेफ्ट चलना है कितना, 6, एल 6 लिख दिए, अब जो फर्स्ट में बात आया था उसको यहाँ चर्चा में लिख देंगे, अब बात सेम डायरेक्शन के बात आएगा, एसडी कार्ड का बात आएगा तो घटा देंगे, घटा दिया 18 में 6 कितना, 12, अब बताओ लेफ्ट से जो है 12वां लेटर क्या होगा, लेफ्ट से 12वां लेटर क्या होगा, एल, हमको खोजना पड़ा कि इधर से आएंगे यहाँ फिर चलेंगे दाएं, घटाना पड़ा नहीं ना। दूसरा सवाल में हम चलते हैं, बोला कौन सा लेटर लेफ्ट इंड से 8वां, इसका मतलब लेफ्ट कितना है, 8वां, फिर बोला राइट का 7वां, इसका मतलब राइट कितना है, 7वां, अब हम बोले थे जो फर्स्ट में है वो बात लिख देंगे, अब क्या करेंगे उसको देखो। अब बोला था यदि चेंज हो लेफ्ट और राइट, झगड़ा का बात हो तो दोनों को दोस्ती कराएंगे ना, अलग अलग है, एगो राइट है एगो, एगो बोल रहा है राइट लिखो, दूसरा बोल रहा है लेफ्ट लिखो, दोनों को दोस्ती कराएंगे, झगड़ा मत करो, नहीं दोस्ती कराए देंगे 8-7-15, मेरा यही रिजल्ट हुआ। आप बोलो कैसे, बोल रहा था इसका कहना था लेफ्ट इंड से चलना है, कितना लेटर, 15वां लेटर, लेफ्ट इधर से कि इधर से,
इधर से हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, लेफ्ट से एबीसीडी जो शुरू करते हैं, हम बोले थे इसके पीछे कि एबीसीडी लेफ्ट और राइट हर जगह सवाल आएगा, नहीं अब बताओ लेफ्ट से 15वां लेटर क्या भारी है। अब हम चेक कैसे करेंगे मेरा सही बना के गलत, उसको देखो बोला कौन सा लेटर होगा लेफ्ट इंड से 8वां, लेफ्ट इंड इधर से था कि उधर से था, इधर से था ना 8वां, यहां तक पहुंच गए गाड़ी। उसके बाद बोला फिर राइट जाइए, क्या बोले थे यहाँ जब बीच बीच धारा में पहुंच जाएंगे तो आगे बढ़ेंगे तो राइट होगा और पीछे लौटेंगे तो लेफ्ट होगा, बोला कि उसका 7वां लेटर मतलब 7 को और बढ़िए 1 2 3 4 5 6 भारी है नहीं ना, दोनों तरीका सीख लिया। आगे देखो बोला अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा लेटर बाएं छोर से, बाएं मतलब लेफ्ट की राइट, लेफ्ट इसका मतलब लेफ्ट का मान कितना दिया 15। फिर बोला कि बाएं, बाएं मतलब क्या कितना, अब बोलो पहला लेटर बोले थे लिख लीजिए, अब दोनों में क्या था दोस्ती था तो घटाना है ना, बस सिंपल फंडा है, यदि दोनों सेम रहे मतलब कि दोस्ती था तो उसको तकरार करा देना है मतलब घटा देना अलग कर देना है, और यदि दोनों अलग अलग था राइट था लेफ्ट था दोनों में झगड़ा हो रहा है तो दोस्ती करा देना है, दोनों में दोस्ती है तो फुट करा देना, यही तो फंडा और कुछ है, क्या करेंगे घटाएंगे जोड़ेंगे घटा देंगे। अब लेफ्ट से कितना 9वां, तो कितना हो गया भारी है, यहां तो कोई दिक्कत, इसको लिखो नेक्स्ट सवाल है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 22वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर होगा, क्या क्या बोल रहा था उसको केवल देखना, बाएं से 22वां इसका मतलब राइट की लेफ्ट, राइट मतलब दाएं, लेफ्ट मतलब बाएं, लेफ्ट हो गया 22। उसके बाद बोला दाएं 7वां होना चाहिए इसका मतलब राइट कितना होना चाहिए, अब बोलो यहां बोले तो जो स्टार्ट में वही लिखेंगे, अब बोलो जोड़ दे कि घटा दे, जोड़ दे कि घटा दे, देख लो नहीं, जब दो तरह का बात हो रहा था तो उसको क्या कर रहा था, फिर भूल गया नहीं घटाना है, सेम डायरेक्शन में क्या क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 22वां, बाएं मतलब राइट की लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट कितना 22, बोला कि बाएं 7वां लेटर होगा ठीक है तो बाएं मतलब क्या, फिर लेफ्ट, अब बताओ लेफ्ट तो हो गया जब सेम डायरेक्शन था तो क्या आता था घटता था 15 हो गया, अब बताओ लेफ्ट से जो है 15वां कौन लेटर होगा, ओ लिख देंगे, जरूरी पड़ रहा है लेटर का, हर एक क्वेश्चन में जरूरी पड़ेगा लेटर का, इसलिए लेटर याद करना मस्ट है ठीक है। आगे बढ़ो बोला अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 7वें, दाएं मतलब क्या राइट ना, राइट से 7, बोला के बाएं 5वां, बाएं मतलब, अब बोलो दोनों दो अलग अलग था जोड़ दे के घटा दे, जोड़ देंगे 12 लिख दिया, बात राइट लिखेंगे क्या लेफ्ट लिखेंगे राइट, इसीलिए बोले थे पहला का चर्चा, अब बताओ राइट से चलना है केम्मा 12वां, हम चर्चा किए थे जब एबीसीडी जो लिखते थे वो लेफ्ट से होता था, हमको है केम्मा से राइट से 12वां, केम्मा राइट से 12वां, अब उधर से हम जेड साइड से गिनती करेंगे 12वां, और नहीं तो दूसरा उपाय क्या था 27 में उसको घटा देंगे, 27 में इसको घटा देते हैं 12 कितना हो गया 15, 15वां लेटर क्या भारी है, सिंपल फंडा एबीसीडी यदि बोलेगा तो बाएं से कर देंगे, यदि दाएं से पूछेगा 27 में उसको घटा के लिख देंगे। आगे देखो, अब देखो ये थोड़ा सा ट्रैक चेंज है, क्या है उस चीज को समझो, एबीसीडी जो लिखा था ठीक है, एक मिनट फिर से लिखते हैं उसको देखो, ए बी सी डी बीच में क्या आता है देखो, इसमें दो पार्ट कैसे कैसे होता है, टोटल लेटर कितना 26, दो बंटवारा किया 13 का और 13 का, जब पहला यहां से 13 तक गया एम तक गया ठीक है, इसको बोलेंगे फर्स्ट हाफ पार्ट, क्या बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, मतलब कि प्रथम अर्धांश हो गया वो द्वितीय अर्धांश हो गया, यहां तक कोई दिक्कत, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है,
तो उसको देखो, जो जो सवाल कहेगा वो करेंगे, बाकी कुछ हमको करना नहीं है। सामान हमको बहुत सारा दे देगा, सब्जी बनाना है बहुत सामान दे देगा, लेकिन जिसका जिसका जरूरी पड़ेगा इस्तेमाल हम उसी को करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन का क्या कहना था उसको देखो। बोला इंग्लिश अल्फाबेट में यदि प्रथम फर्स्ट हाफ को इंटरचेंज कर दिया जाए, इंटरचेंज मतलब बदल दिया जाए, इंटरचेंज मतलब बदल दिया जाए, तो कैसे बदलेगा उसको देखो। इसका मतलब ए बी सी डी से प्रथम अर्धांश कहां तक? एम तक। अब कैसे लिखना है? अब यहां से लिखना है एम, इसके पीछे 13वां लेटर था ना, उसके बाद 12वां लेटर कौन सी? एल। फिर 11वां लेटर क्या यहां होगा? ए बी सी डी ई, यही हो गया प्रथम अर्धांश चेंज करना। ठीक है, उसके बाद क्या बोला था? दूसरे को बोला था चेंज करने? नहीं ना, केवल बोला था फर्स्ट जो अर्धांश है उसको चेंज करना, तो चेंज कर दिया, बाकी तो डिजिट यही रह गया कि नहीं रहा? यहां तक कहानी हो गया। बोला कि चेंज कर दीजिए, चेंज कर दिए। अब बोला कौन सा लेटर बाएं छोर से क्या होगा? बाएं छोर मतलब इधर नहीं, अभी सीढ़ी। अब थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा, आदमी क्या करेगा, गिनना शुरू कर देगा कि बाएं से 18वां लेटर यहां से गिनेगा। ये तो चेंज छेड़छाड़ किया था, गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 18वां कौन होगा, गिनेगा कि नहीं? हमको गिनने का कोई जरूरी नहीं था, इसीलिए जरूरी नहीं था, हमको केमन लेटर निकालना था 18वां। हमको चेंज कहां तक किया था? 13 तक चेंज किया था, उसके बाद चेंज किया था, हमको पूछ रहा था केमन लेटर, हमको ये गिनती करने का है जरूरी? जो छेड़छाड़ किया था उस घर में हम जाते तब ना हमको गिनती करना पड़ता, उस घर में हम गए हैं, हम तो सेफ जोन में 18। ये जो छेड़छाड़ इंटरचेंज जो किया था इस घर में है ये नहीं है, 18वां लेटर क्या था? और इसका आंसर कितना लिख देंगे? भारी था। अब कोई कोई करेगा इसको क्या करेगा, ए बी सी डी पूरा लिख देगा, बोला प्रथम अर्धांश चेंज करेगा, फिर यहाँ लिखेगा क्या, यहाँ 13वां से ए बी सी डी यहाँ एम तक लिखेगा, फिर यहाँ से गिनती करेगा 1 2 3 4 5 6 चेंज करने का है जरूरी? थोड़ा सा इसमें कॉमन सेंस लगाना, 18वां लेटर पूछ रहा है तो छेड़छाड़ किया था 13 तक, तो 13 तक में वो आइए नहीं रहा था तो उसको छोड़ देंगे, 5 और बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत? आगे चलो। बोला अल्फाबेट में प्रथम अर्धांश को उलट दिया जाए, फिर वही कहानी हो गया क्या, 1 से 13 तक जो लिखा था उसको क्या कर दिया? उलट दिया। और उसके बाद बोला जो 13 को था उसको चेंज किया? नहीं किया ना। आगे हम पढ़ेंगे, यदि उस घर में जाएंगे जरूरी पड़ेगा तो हम जरूरी उसका इस्तेमाल करेंगे, यदि जरूरी नहीं पड़ेगा दूसरे साथ हम कुछ नहीं करेंगे। देखो क्या क्या कह रहा है उसको देखो। बोला कि बाएं छोर से 18वां लेटर, बाएं छोर से 18वां लेटर के बाएं छोर केम्मा लेटर चाहिए, केम्मा पहले स्टाइल में हम चलते हैं तब देखते हैं क्या स्थिति हो रहा है। बोला बाएं छोर से 18वां, बाएं मतलब लेफ्ट की लाइन, राइट लेफ्ट, लेफ्ट कितना 18, फिर बोला बाएं चलिए कितना, अब बोलो जोड़ दे के घटा दे माइनस कर दे तो कितना, ये इन कर देंगे, यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो इसमें ये तो सीधा सीधी हथौड़ा चलाने वाला बात हो गया। अब जो ये क्वेश्चन जो ये कहा था इसका भी तो इस्तेमाल करेगा कि नहीं करेगा? अब पहले हम देखते हैं आखिर वो कौन घर में आ रहा है, इसीलिए कि यदि इस घर में आ जाएगा सेकंड पार्ट में वो तो वही आंसर हो जाएगा कि नहीं, और ये घर में यदि आ गया इधर 13 वाला तो थोड़ा सा माथा पच्ची करना है। तो देखो किस घर में आता, बोला लेफ्ट से चलना है कितना 11वां, लेफ्ट से इधर से चलना है केम्मा, अब इधर से 11वां चलना है, इसका मतलब बात तो पलट दिया था कि नहीं पलटा था, अब लेफ्ट से केम्मा चलना है 11वां, जब यहाँ ए जो मिला था केम्मा लेटर था 13वें लेटर था ना, ए से एम तक में बदला बदली हुआ था, ये 13वां लेटर ये केम्मा लेटर हुआ, 11वां लेटर कितना सी, यहाँ तक कोई दिक्कत कि दिक्कत हुआ नहीं ना? इसके लिए और एक टेक्निक है क्या उसको देखो, यदि ये राइट से पूछता या इस घर में आता इस सेकंड हाफ पार्ट में आता, अगर पूछता कि जो है चेंज तो कर दिया, अगर ये बोलता कि इधर से जो है मान लो लेफ्ट से आया 14वां लेटर, इसमें देखो क्या क्या कलाकारी है, अगर बोलता लेफ्ट से 14वां लेटर तो हम क्या करते, लेफ्ट से इधर से लेफ्ट था ना 13 लेटर तो ठीक था, 14वां लेटर तो जो आंसर आता वही आता कि नहीं? इसमें दो चीज क्या क्या ध्यान देना है उसको देखो, यदि लेफ्ट साइड से बात आएगा 13 के बाद वाला आंसर आएगा, 13 के बाद वाला लेफ्ट आएगा तब तो जो डिजिट आ रहा है वही मेरा आंसर होगा कि नहीं, लेकिन यदि कम आ गया 13 से
तब तो उसमें छेड़छाड़ कुछ होगा कि नहीं होगा? तो उसमें क्या कलाकारी करते हैं उस चीज को देखो, छेड़छाड़ कहां तक हुआ था? तेरे तक। कहां तक? तेरे तक। और लेफ्ट से ही पूछ रहा था हम क्या करते हैं उसको देखो, तेरे में हुआ था और मेरा लेटर कितना आया था? तेरह। ग्यारह इसमें घटा देंगे, मेरा आया कितना? दो। जितना भी रिजल्ट आया केवल एक बढ़ा देंगे, वो मेरा क्या आ जाएगा आंसर? तीसरा लेटर क्या आ गया? सी। तो इससे रिलेटेड और क्वेश्चन बताएंगे इस ढंग का, प्रथम अर्धांश वाला, और कुछ सवाल से मुलाकात कराएंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, ठीक।